साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मद अन्यत्ते न जानाति नाहम तेव्यो मनागवि। भगवान श्रीमद् भागवत में बोलते हैं कि मैं हमेशा अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ और मेरे भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं। मैं अपने भक्तों के अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ और मेरे भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। जी हाँ, भगवान को भगवान के भक्त इतने ज़्यादा प्रिय हैं। तो इस जन्माष्टमी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऐसे ही भगवान के उच्च कोटि के भक्तों की भक्तावली, जिनको श्रवण कर आप अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को अपना सकते हैं और उसके साथ साथ भगवान के करीब जा सकते हैं। क्योंकि कभी किसी ने पूछा, भगवान आप कहाँ वास करते हैं, कहाँ है आपका एड्रेस, कहाँ पर मिलेंगे आप? भगवान ने बोला, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ पे मेरे भक्त एकत्रित होकर मेरा नाम का गुणगान करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, मेरी लीलाओं का गुणगान करते हैं, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। और श्री वैष्णव संप्रदाय में तो यहाँ तक बोला गया है कि अगर कोई एक दिन भगवान के भक्त की सेवा कर दे तो वो भगवान के 60,000 दिन सेवा करने के बराबर है। और भगवान स्वयं बोलते हैं, मेरी पूजा से बढ़कर है मेरे भक्तों की पूजा। तो आइए ऐसे ही बहुत बहुत सारे भक्तों के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, जैसे कि बिल्वा मंगल ठाकुर, मीराबाई, कुलुक्षेत्र राजा, हरिदास जी, हित हरिवंश जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सूरदास, नरसिंह मेहता और ऐसे बहुत सारे भक्त जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया है और जिनका श्रवण कर हम इस जन्माष्टमी में भगवान को और श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ उनके सेवा में लग सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 15 दिन तक ये भक्तावली की चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।